कमजोर हैं वो थोड़े ऐसे शेयर हैं जहाँ पे जिसे कहते हैं मार्केट का डिफेंसिव है, वो है डॉक्टर रेड्डीज, भारतीय एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये थोड़े डिफेंसिव शेयर्स हैं। एडवांस डिक्लाइन के साथ आज मार्केट की ओपनिंग हो रही है। मंगलवार का दिन मंगल में हो मार्केट के लिए, 1400 शेयर्स के साथ एडवांसेस दिख रहा है और आज मार्केट ने जो पहला टिक दिखाया सीधा 100 पॉइंट ऊपर और मार्केट 19,850 के बेहद करीब है। सिर्फ 10 मिनट वेट करनी है और कुछ बड़े शेयर्स की लीडरशिप चाहिए। एक बार 850 पार हो गया, भर भर के मौके मिलेंगे शॉर्ट कवरिंग के। और ये हफ्ता आप याद रखेंगे कि शुक्रवार आते आते तक हो सकता है 20,000 की तरफ भी पहुंच जाएं। सेंसेक्स भी 300 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 44,500 के आसपास, ये बहुत क्रिटिकल लेवल पे है। ये दोनों ही लेवल्स बहुत क्रिटिकल हैं, 44,500 और 850 पार होने पर आपको काफी दम दिखेगा। जल्दी से चेक कर लेते हैं आज के तेजी वाले शेयर्स। ग्रासिम 2% ऊपर, HDFC 1% ऊपर, ये इतना ही रहेगा। HDFC मेरे को नहीं लगता अभी जल्दी आएगा, थोड़ा हाथ बदला हो जाए, हो सकता है ब्लॉक भी आपको लगते हुए दिख जाए नीचे HDFC पर, उसके बाद HDFC के अंदर मोमेंटम बाद में आएगा, अभी शुरुआत में 1-1.5% के कैप पे रहेगा। बजाज फिनसर्व भी आज ऊपर है, ये थोड़ा इंडिकेशन दे रहा है, शायद हो सकता है बजाज फाइनेंस के नंबर आ जाए अच्छे, और बजाज फाइनेंस भी एक बार जरा दिखा दीजिएगा, वो करीब 0.5% ऊपर है। इसके अलावा अदानी ग्रुप के शेयर्स भी आज एक्टिव हैं, अदानी एंटरप्राइजेस बकायदा 0.5-1% ऊपर है, जो कि निफ्टी टॉप 50 के अंदर आता है। 90 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी 19,800-1.25% के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। थोड़ा समय लगेगा इसको 850 पार करने में, क्योंकि इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर कल FIs माल बेच के गए हैं, इसलिए मेरा डर बरकरार है। आ जाता हूं मैं जरा नेक्स्ट 50 के अंदर, वहां क्या हो रहा है। कैनरा बैंक है का, वो आज 1% ऊपर है। PNB, जोमेटो, VBL ये ऊपर है। VBL में ना कल बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई कि वो अपने जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उससे थोड़ा हटके वो सोलर पैनल्स के अंदर एक कंपनी के अंदर हिस्सेदारी खरीद रहा है। ये शेयर आज फिर से आप नोटिस यहाँ पे कर सकते हैं। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस समय स्क्रीन कैसी हरी दिख रही है और आज मार्केट का मोमेंटम काम है। एक तो गैप है और HDFC अच्छा है, तो मेरे को लग रहा है कि सब कुछ आपके लिए ठीक रहेगा। ग्रासिम से लेकर टाटा कंज्यूमर्स तक अगर आप देखेंगे, ये सारे बड़े शेयर्स हैं और इन सब ने आज मार्केट का समा बांधा है। तो बाजार ने एक ठीक ठाक गैप पर सधी हुई शुरुआत की है और HDFC बैंक नतीजों के बाद 1% ऊपर है, लीडरशिप ले रहा है और उसके चलते हम निफ्टी में और निफ्टी बैंक दोनों में तेजी देख रहे हैं। लेकिन मिड कैप का एक्शन जरा आपको बता देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टायर स्टॉक्स आज एक्शन में, वो एक्शन हमने आपको बाजार खुलने से काफी पहले हाईलाइट करके बता भी दिया है कि कहां पर मौके बनेंगे। हमारे एक्सपर्ट ने अपोलो टायर का नाम लिया था, आज वायदा का ये टॉप गेनर है, 2.5% की तेजी यहां पर है। MRF उसके पीछे पीछे करीब 2.25% के आसपास तेजी। L&T फाइनेंस होल्डिंग, कैनफिन होम्स, तो NBFCs में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी आज बाइंग हमें देखने को मिल रही है। मदरसन सुमी धीरे धीरे करके शेयर चल रहा है, रोज आपको ऐसा मूव मतलब नोटिस करने वाला मूव नहीं दिखेगा, लेकिन 1-1.5% करते करते शेयर फिर से 100 रुपए के आसपास आपको मदरसन सुमी का जाता हुआ दिखेगा। 98 रुपीज के आसपास का भाव आज हम मदरसन सुमी के शेयर में देख रहे हैं। अगर कुछ बड़े एक्शन की बात करें तो CET आपको स्टैंड आउट, 7% की तेजी, जबरदस्त नतीजे, मल्टीफोल्ड राइज मुनाफे में 30 गुने का, आपको हमने ये हाईलाइट करके बताया भी था। इसके अलावा खबरों के दम पर हम देख रहे हैं कि वाटिक वाबाग में तेजी है करीब 7% के आसपास की। MMTC जैसा कि हम रोज हाईलाइट, आज भी शुरुआत इसमें ठीक ठाक हुई है 5% की तेजी पर। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स जो आपको नोटिस में रखना चाहिए अपने, वो है बॉम्बे डाइंग का, यहाँ पर तेजी है। KIOCL ये भी एक्सपर्ट्स हमारे सजेस्ट कर रहे थे आपको पिछले दिनों, और वहां पर भी आज हम ठीक ठाक मूव देख रहे हैं। तो एक बढ़िया शुरुआत 19,800 के ऊपर निफ्टी 90 अंकों की तेजी के साथ। इस तेजी को कैसे राइड करनी है, मौके कहां पर बन रहे हैं ओपनिंग ट्रेड में, ये प्रियंका जानेंगे एक्सपर्ट से। टायर स्टॉक्स की हमने बात की तो CET, MRF और JK टायर, जो अभी थोड़ी देर पहले कपिल बता रहे थे, वहां पर भी मौका मिला है और अब खैर खुल के 8% तेज हो गया है। और कहां कहां मौके दिख रहे हैं इस